जिला के दारा गांव में निरंतर रेखा के नजदीक एक माइंड ब्लास्ट से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस धमाके से घायल हुए व्यक्ति की पहचान आरिफ हुसैन के रूप में हुई है। डीसी पूंछ ने घायल को रेड क्रॉस से 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की। आरिफ हुसैन, क्या हाल चाल है? क्या है? सुबह गया बकरी के पत्थर रेखा काटने, जमीन के नाल जंगल था, मैन था भी उठ गया। कौन सी जगह पे? जंगल में साथ बगदरा। कहाँ कहाँ लगी है? उठे जनाब, बिगलदरा में हुआ, टारी पोस्ट के नीचे। अब इसका ज़मीन और जंगल साथ में है, तो ऊपर से मैन गिरकर नीचे आया बारिश से, तो ये पत्थर काटने के लिए गया तो सुबह 10 बजे के करीब, तो वहाँ पत्थर घेसी में था, ऐसे मली में प्या हुआ था, तो इसने पोंग रखा तो उठ गया। क्या लगता है आपको? मेरा ये चचेरा भाई है। कितनी उम्र होगी इसका? 18 साल है। कहाँ कहाँ लगी है? लगी एक ही पोंग को है, पोंग एक ही पोंग को लगी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आए दिन वहाँ पे आपके गाय चराने जाते हैं, वहाँ पे तो ऐसे हादसे होते हैं? सर हादसे तो बहुत हुए हैं वहाँ पर, तो मेन फील्ड तो ऊपर है, तो तार के नीचे आ जाते हैं बारिश से, उसको तो कोई देख पाव होता ही नहीं है, जंगल के नीचे आ जाता है। नीचे से क्या होता है? नीचे से कौन देखता है, किसको मालूम है? फौज कोई वहाँ रखवाली करती नहीं है कि नीचे तार के ऊपर करती है, नीचे कोई नहीं करती, तो नीचे आ जाता है मैन। तो वो तो बहुत बंदे, ये 10 बंदे वहाँ पर ऐसे हरकत हो गया। ये भाई सर, ये भाई सर, तो वहाँ गया तो बोला खेसी पड़ी, पत्थर खेसी पड़ी है, बघियालदरा एरिया में एक माइंड ब्लास्ट का इंसिडेंस हुआ। वहाँ पर एक लड़का जो है करीब 20-21 साल का, उसका वो अपने खेत के पास लकड़ी कलेक्ट करने गया था, और जो है वहाँ पे गलती से उसका पैर एक माइन पर पड़ गया, जिसके वजह से उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अभी जो लड़का जो है उसकी हालत अभी स्टेबल है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा है। अभी फौरी तौर पर रेड क्रॉस की तरफ से इमदाद प्रोवाइड की गई है, और जो भी बेस्ट ऑफ द मेडिकल केयर होगा वो भी प्रोवाइड किया। पुंछ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।